हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सीरीज में। इस सीरीज में आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट जो आपके करियर को बूस्ट कर सकती है। इसी कंटिन्यूएशन में आपके सामने लेके आया हूँ OSC दैट इज ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बहुत ही बेहतरीन नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच एलिजिबल है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक नजर डालते हैं OSC क्या है। सो डियर कैंडिडेट्स, OSSC इज द ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1993। डियर स्टूडेंट्स, OSC की तरफ से जूनियर इंजीनियर की प्रोफाइल और असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की प्रोफाइल पे कुछ पद की वैकेंसीज आई हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर के पद पे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की मैं बात करूं तो EIC में 101 वैकेंसीज हैं, H&UD में 30 वैकेंसी है, टेक्सटाइल्स में डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल्स में 1 वैकेंसी है, पंचायती राज एंड ड्रिंकेबल वाटर डिपार्टमेंट के अंदर 421 वैकेंसीज हैं, WRD के अंदर भी काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं 451 एंड डायरेक्टर ऑफ फिशरीज में 4 वैकेंसीज हैं। इन पद पर कौन भर सकता है जिनका डिप्लोमा है इन द सिविल इंजीनियरिंग, 3 ईयर्स रेगुलर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, वही कैंडिडेट इस पद के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। यहां पे मैं बात करूं असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की तो टोटल 217 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर एलिजिबल हैं डिग्री और डिप्लोमा दोनों। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और उसके अगेंस्ट अलग अलग ब्रांचेस में कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लगभग हर एक ब्रांच एलिजिबल है और हर एक डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज हैं। तो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वैकेंसीज देखने के लिए आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूँ तो JEE के लिए एज लिमिट रहेगी 21 से 38 ईयर्स, ये आपका एज बार रहेगा, और ATO के लिए 18 से 38 ईयर्स रहेगी। सैलरी स्ट्रक्चर से मैं 35,400 से लेके 112,400 का पे बैंड इसके अंदर रहने वाला है। सो अगर आप इस एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर आपका पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपके स्टेप्स रहेंगे सिलेक्शन के। एक नजर डालते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 150 मिनट्स होंगे आपकी और 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये पूरा नॉन टेक्निकल पेपर होगा। इसके अंदर आपसे अरिथमेटिक पूछा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन DI पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, कंप्यूटर और इंटरनेट की अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर प्योर टेक्निकल आपका जो भी आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा और कुल आपको 180 मिनट गिवन से 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन शुरू 11 नवंबर 2022 और इसका जो लास्ट डेट होगा दैट इज द 10th of December 2022 इज द लास्ट डेट ऑफ दिस फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा नोटिफिकेशन। अगर आपको अच्छा लगा है ये नोटिफिकेशन और अगर आप एलिजिबल हैं कौन सी ब्रांच में भरना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.